आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल्स कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होगा उसको सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन वही अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हम आसानी से समझाएंगे आपको कि आप कैसे ट्रायंगुलर फॉर्म का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा हम स्ट्रेट लाइन पे बात करेंगे, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर फॉर्म पे बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा स्ट्रेट लाइन पे हम फोकस करते हैं। मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन में है, तो एक्स एफ यानी फाइनल पोजीशन है उसका 20 मीटर, एक्स आई क्या है इनिशियल पोजीशन उसका क्या है 5 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन पे निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई होता है। यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पे निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स एफ क्या है फाइनल पोजीशन, एक्स आई क्या है इनिशियल पोजीशन। लिख देता हूं एक्स एफ क्या है फाइनल पोजीशन और एक्स आई क्या है इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स एफ का वैल्यू क्या है 20, एक्स आई लेना होगा तो एक्स आई का वैल्यू क्या है 5 माइनस 5 यानी कि 15। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 15 मीटर। यानी जब भी स्ट्रेट लाइन हो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस पूछा जाता है, तो टोटल डिस्टेंस यानी एस टी मीन्स एस मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टोटल, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 मीटर। अब आइए हम देखते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, आखिर में ट्रायंगुलर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब हम डिटेल्स में सीखते हैं। तो अगर मान लिया जाए एक रिफरेंस पॉइंट है यानी कोई इनिशियल पॉइंट है, यहां से एक ऑब्जेक्ट अपने राइट साइड मूव करता है यानी मेरे राइट साइड, यानी कि हम ईस्ट टुवार्ड्स ईस्ट भी लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन में आता है टुवार्ड्स ईस्ट, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। फिर यहां से नॉर्थ के तरफ टुवार्ड्स नॉर्थ के तरफ मूव करता है 3 मीटर। तो ये हमारा एक्स आई हो जाएगा इनिशियल पोजीशन और ये क्या हो जाएगा एक्स एफ। तो इसमें पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी कि इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट का पहले हम डायग्राम शो कर देते हैं, यानी इनिशियल से फाइनल के बीच ही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा यानी आई टू एफ, यानी यही क्या है डिस्प्लेसमेंट है, आई टू एफ ही क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब यहां पे एक्स आई का वैल्यू है 4 मीटर, एक्स एफ का वैल्यू है 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहां से जब भी मुड़ा होगा तो ये परपेंडिकुलर मुड़ा होगा यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां जब भी 90 डिग्री का एंगल बन गया तो इस पूरे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, यानी डिस्प्लेसमेंट ही क्या होगा हाइपोटेनस के बराबर होगा, यानी हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो सिर्फ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर स्क्वायर है राइट साइड लेकर जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। एच इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर, पी क्या है 3 का स्क्वायर, यहां प्लस होगा 3 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 का स्क्वायर, यानी सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 16। इसको हम अगर ऐड कर लेते हैं, यहां मैं लिखता हूं तो अंडर रूट 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा 25, रूट निकालेंगे यानी 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनल कितना आया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू
5 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस अगर पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस, तो इसको हम ऐड कर देंगे 4 मीटर और 3 मीटर, यानी 4 + 3 = 7 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टोटल हम सॉल्व कर पाए। एक इसका नोट आपको याद रखना होगा, नोट, जो भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा हमेशा डिस्टेंस के वैल्यू के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस के वैल्यू से हमेशा बराबर या तो छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। यानी इसको हम ऐसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस के बराबर या डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसको आपको याद रखना होगा, ये नोट में काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं एमसीक्यू में पूछा जाता है, आगे तक कंपटीशन के एग्जाम में भी। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए हैं। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट होता है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटिव, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।